सावधान, रात अंधेरे में जब सभी लोग सो रहे होंगे इस समय भारत में कुछ ऐसा घटित होगा जो वास्तव में बहुत अजीब है। आज की तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं बल्कि ये आसमानी घटना इसी 12 अगस्त 2023 को घटित होने वाली है, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें और पूरी बात को बहुत ध्यान से सुने ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। और विशेष ध्यान रखें कि इस 12 अगस्त को खुले आकाश के नीचे खड़े होने से बचें, क्योंकि इस घटना को लेकर भारत के कई विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। यहां तक कि इस घटना ने अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया है। तो इस पूरी घटना को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। दरअसल भारत में 12 अगस्त 2023 की रात को एक अजीब घटना घटित होने वाली है। इस घटना को अगर हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो 12 अगस्त की रात आसमान में एक साथ काफी ढेर सारे तारे टूटते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बेहतरीन बात, इस घटना को हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। वैसे तो अंधेरा होते ही आसमान में ये रोमांचित करने वाली घटना दिखाई देने लगेगी, लेकिन शाम होते ही उल्का पिंडो यानी टूटते हुए तारों का दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं ये घटना उस समय चरम पर होगी जब रात के 2 बजने वाले होंगे, यानी सुबह का आगमन होने से पहले ये आकाश की घटना अपने सबसे ऊंचे मान को प्राप्त कर लेगी। इस दिन एक घंटे में लगभग 80 से 100 उल्काओं को हम आसमान में देख सकेंगे। इस दिन धरती से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पूंछ वाली चमकती उल्काएं नजर आएंगी। तो वहीं इसको लेकर गोरखपुर नक्षत्रशाला के खगोलविद अमरपाल सिंह का कहना है कि पृथ्वी से हमें आसमान में तारे टूटने जैसा कुछ दिखता है, असलियत में ये उल्का वृष्टि होती है जो हमें तारे टूटने का अनुभव कराती है। वैसे में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार ये टूटता हुआ तारा क्या होता है। इसको लेकर खगोलविद अमरपाल सिंह बताते हैं कि सौर मंडल के ग्रहों के बीच अंतरिक्ष में पत्थर और लोहे के अनगिनत छोटे छोटे कंकड़ या कण मौजूद है। ऐसा कोई कण जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आने पर तीव्र वेग से पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण के कारण रात के समय आकाश में क्षण भर के लिए चमक उठता है, इसी को उल्का या टूटता हुआ तारा कहते हैं। 12 अगस्त को होने वाले इस खगोलीय घटना को लेकर अमरपाल सिंह आगे बताते हैं कि उल्का वृष्टि का संबंध धूमकेतुओं से है। धूमकेतु धूल कणों और बर्फ से बनी गैसों के पिंड होते हैं। ये लंबी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें निकले हुए कण इनकी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु के यात्रा पथ से गुजरती है तब उसके वे कण पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण से जलने लगते हैं, जो उल्काओं के रूप में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तब आकाश में हमें उल्का वृष्टि का आकर्षक नजारा दिखाई देने लगता है। इसी को खगोल विज्ञान की भाषा में मेटियर शावर या उल्का वृष्टि का आम बोलचाल की भाषा में इसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। ऐसे 12 अगस्त को होने वाले उल्का वृष्टि को परसीड मोटियर शावर नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आकाश में एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती है जिसे रेडिएंट पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि परसीड तारामंडल की तरफ से शुरू होता है। आकाश में ये हर तरफ दिखेगा और सबसे खास बात, इस खगोलीय घटना को देखने के लिए किसी तरह के टेलीस्कोप या अन्य किसी भी आंख में लगाने वाले उपकरण की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस नजारे को देखने के लिए आपकी अपनी आंखें ही सही है, यानी आप जैसे अन्य वस्तुओं को देखते हैं वैसे ही इसे भी देख सकते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो किसी साफ जगह पर जाएं जहां अधिक लाइट और पॉल्यूशन ना हो। ये नजारा वहां से